नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। हरियाणा में बीजेपी के जीत पर सिवान में बीजेपी कार्यालय पर भाजपा जिलाध्यक्ष संजय पांडे के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। साथ ही साथ जमकर आतिशबाजी भी की गई और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया गया। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं और संजय पांडे जो बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इस मौके पर भाजपा नेता नंद प्रसाद चौहान, भाजपा नेत्री अनुराधा गुप्ता, राहुल तिवारी और इनके साथ तमाम कई बीजेपी के नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। आइए सीधे ले चलते और सुनते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बीजेपी के नेताओं ने कहा। और वही आपको बताते चले कि पूर्व विधायक व्यासदेव प्रसाद के पुत्र मुकेश कुमार बंटी भी मौजूद थे। एटीएन लाइव के लिए आशीष के साथ चंदन कुमार सिवान। कल जो राज्यों का चुनाव परिणाम आया और जो चुनाव परिणाम आया हरियाणा में, हमने तीसरी बार सरकार बनाया और काश्मीर के अंदर वोट परसेंटेज में देखा जाए तो सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी को मिला और वहां भी हमारी पार्टी को अच्छा सफलता मिला। और जो काश्मीर के अंदर चुनाव हुआ वो लोकतंत्र का जीत हुआ, क्योंकि पहला चुनाव हुआ काश्मीर के अंदर जिसमें किसी तरह की न हिंसा हुई न किसी तरह का बूथ लूट हुआ। मतदाता निकले, अपने प्रत्याशी को वोट दिए और अपने घरों में जाते आराम किए। यानी काश्मीर का चुनाव हमारे लोकतंत्र की मजबूती को दिखाता है। जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में कल हम तीसरी बार सत्ता में आए, 64 साल के बाद हरियाणा के इतिहास में, 57 साल के बाद हरियाणा के इतिहास में कोई पार्टी तीसरी बार सत्ता में आई है। हम सत्ता में क्यों आए? हम सत्ता में आए, हरियाणा की मतदाताओं ने हमारे 68वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया। और जब उन्होंने विश्वास किया तो हम वहाँ तिवारा सरकार बनाए। वहाँ के हरियाणा के सभी मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी जिला सिवान के तरफ थे उन तो धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया। और हमारी जो सरकार है उस सरकार ने वहाँ पर जो विकास का काम किया था, विगत चुनाव में देखे होंगे कांग्रेस ने अफवाह और झूठ का राजनीति किया, कहा कि भाजपा आएगा तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा,
संविधान समाप्त कर दिया जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। उस कांग्रेस पार्टी ने किया जो इमरजेंसी लगाकर और देश के अंदर लोकतंत्र को टूटने का काम किया, बेदुनाहों को जेल में डालने का काम किया। उस कांग्रेस पार्टी ने हमारे ऊपर झूठ और अफवाह फैलाया। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा की जनता ने बता दिया और कांग्रेस पार्टी को डोईडाई चमाटा डरा कि अब देश के अंदर विकास की बात होगी, झूठ फरेब और अफवाह फैलाने का बात नहीं चलेगा। मैं पुनः काश्मीर, जम्मू काश्मीर और हरियाणा के लोगों का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया और जितने भी वहाँ प्रत्याशी विजयी हुए हैं सब तो हम धन्यवाद देते हैं। बीजेपी ने बहुत जगह पे कैंडिडेट उतारा था, दो चार जगह पे कैंडिडेट उतारा था, कश्मीर घाटी की। आप काश्मीर का भी अगर देखेंगे, काश्मीर के अंदर आप देखेंगे तो काश्मीर में भी दो एग्जिट पोल आ रहा था, उसमें हम पहले 8 सीटों पर आ गए थे, उसके बाद हम 5 सीटों पर आ गए हैं, उसके बाद हम 3 सीटों पर आए, रीडिंग वाइज दिखाता था। जम्मू में हम शुरू थे ही आगे चल रहे थे और जम्मू के मतदान क्षेत्रों में हमने अच्छी संख्या में सीट प्राप्त किया। हम पहले ही आपको बताएं, हो सकता है हमारा तो नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, हो सकता है वहाँ के मतदाताओं के अंदर किसी तरह का बात, जहाँ सवाल है 376 धारा का, आज जो वहाँ चुनाव हुआ वो 376 धारा का ही प्रभाव था कि मतदाता शांतिपूर्वक अपने घरों के नीचे मतदान किए और अपने घरों को। हरियाणा की जीत का श्रेय आप किसको देते हैं, आपकी नीति सफल रही या आपने नायब सैनी को एन वक्त पर मुख्यमंत्री बदल के? नहीं, हरियाणा के जीत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, जो बूथों पर काम किए हैं, जो दिन रात मेहनत किए हैं, उनको हम देते हैं। हालांकि आपको सफलता का श्रेय लेने का हक है, लेकिन यही बात 400 के नारे में जनता ने खारिज कर दिया। आप जानते हैं, अभी बोले जिस तरह का अफवाह और जिस तरह का भारमत तथ्य जनता के सामने प्रस्तुत किया गया, हम आएंगे 180 रुपया पर महीना देंगे, ठटाठट, तो इसी का जवाब कांग्रेस पार्टी को हरियाणा की जनता ने ठटाठट दिया। चलिए, जलेबी हरियाणा चुनाव, जलेबी तो भजवा होता है, जलेबी हमारा था और हमारा है, जलेबी हर बार को भी भगवा से जोड़ दिए, जलेबी भजवा ही होता है। क्या लगता है, खान पान को भी भगवा करण लाना सही है? भदवा करण क्या, भगवा है, भदवा है जिलेबी, तो जिलेबी चल 10 बजे तक कांग्रेस पार्टी ऑर्डर दिया, 10 बजे के बाद हम ऑर्डर दिए। देखिए, हरियाणा और काश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक सफलता और ऐतिहासिक जीत मिला है, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हरियाणा के कार्यकर्ता, जम्मू काश्मीर के कार्यकर्ता सहित देश के शीर्ष नेतृत्व और पार्टी कार्यकर्ताओं को और आपको भी, वहाँ के लोगों को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना, और वहाँ के कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम और प्रयास और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जन कल्याणकारी नीतियों के और उस नीतियों को धरातल पर उतारने से और लोगों तक पहुंचाने से और उसका लाभ लोगों को मिला है, लोग महसूस कर रहे हैं, और यह बात हम लोगों ने फिर जनता तक पहुंचाने में सफल रहे। और विपक्ष के लोग जो विगत लोकसभा चुनाव में कुछ झूठ और अफवाह के बल पे कुछ सफलता पा लिए थे, जिनको भ्रम हो गया था, जो वहम में थे, इस चुनाव में हरियाणा और काश्मीर के जनता ने
उनके वहम को तोड़ने का काम किया है और नरेंद्र मोदी जी के कामों पर अपना अपना मोहर लगाने का काम किया है। इसके लिए मैं तहे दिल से हरियाणा और कश्मीर के जनता को हृदय से धन्यवाद, बधाई और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, अमित शाह जी को हृदय से बधाई, शुभकामना और आभार।